आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उजता भारत न्यूज चैनल से धर्मेंद्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। राहुल कुमार नाम से 26 जनवरी शुभकामनाएं। नमस्कार, पूछता है भारत न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिपोर्टर संदीप वर्मा सतना जिला से। नमस्कार, मैं रौनक वर्मा पूछता है भारत न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूछता है भारत न्यूज चैनल से रिपोर्टर अनिल कुमार संत, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं राजेश कुमार चौधरी, पूछता है भारत न्यूज चैनल परिवार की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सतना पुलिस परेड ग्राउंड में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने किया ध्वजारोहण। पुलिस अधीक्षक सतना धर्मवीर सिंह यादव रहे उपस्थित। परेड की ली गई सलामी। कलेक्टर सतना श्री अनुराग वर्मा की पहल पर आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा के डायरेक्टर परीक्षित भारती के सहयोग से यूपीएससी एवं एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस 17 जनवरी से जूम ऐप पर ऑनलाइन संचालित। सतना कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले वासियों को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। सतना जिले के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग उसके लिए सावधानी रखें, मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक घरों से बाहर ना जाएं। बहुत जरूरत पड़ने पर निकलें तो सावधानी के साथ ही निकलें। एक बार फिर से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले लोगों को बधाई दी और कहा, आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। यह हम सबके एक सूत्र में बंधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, यदि भरोसा नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से कहा, अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपके थ्रू समय मांगना होगा। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी, ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले आप तो मिले थे, उसके बाद में चिंता चला गया। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं और काम चल रहा है, अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपको समय मांगे हैं, रोज बढ़ती जा रही है। कोठी प्रशासन सख्त, सीएमओ व तहसीलदार ने अतिक्रमण मुक्त कराया तहसील कार्यालय के सामने का अवैध अतिक्रमण। सीएमओ पूजा द्विवेदी सहित कोठी थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे व पुलिस बल रहा मौजूद। स्टेशन रोड सतना के व्यापारियों ने स्वच्छ सतना सुंदर सतना के उद्देश्य से अपने व्यय से एक जैसी डस्टबिन 119 दुकानों में रखवाई। स्टेशन रोड के व्यापारियों का उद्देश्य है कि स्टेशन रोड सबसे साफ सुथरी दिखे। सतना जिले के सिविल लाइन हरजन थाना प्रभारी ख्याति मिश्रा ने किया ध्वजारोहण, इस अवसर पर पुलिस बल रहा मौजूद। मैहर विधानसभा इटमा में यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह के हाथों ग्रामीणों ने ली सदस्यता। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया ध्वजारोहण, इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही सहित अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा से बड़ी खबर, हाईवे नंबर 30 में असली विस्फोटक बम होने की खबर। एसपी नवनीत भसीन की सक्रियता आई काम, बिना समय गवाए दस्तर टीम को घटना स्थल पर भेजा गया, तत्काल टाइम बम हुआ निष्क्रिय, नहीं तो हो सकती थी बड़ी घटना। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।